में गली गली में सीवर लाइन डाल सकूं, क्षेत्र में कॉलेज खोल सकूं, जयपुर तक मेट्रो ला सकूं और नए सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल। हमारे डी ब्लॉक में रहते हैं हमारे भाई, हमारे गांव के गोरखपुर के लोग रहने वाले हैं, उनको 20-20 गज का मकान दे दिया गया और गड्ढे में छोड़ दिया गया सड़ने के लिए, गड़ने के लिए। उसके बदले राम सिंह नेता ने क्या लिया? उसके बदले राम सिंह नेता ने करोड़ों करोड़ रुपए का गबन किया। ये राम सिंह नेता है, इस क्षेत्र का लुटेरा है। वो के 16 पे आरोप लगाता है। मैं उससे पूछना चाहता हूं, 91 मैं दिल्ली में आया, आप 80 में आप क्या थे? आप पे 80 में क्या था? आपने लूटा, गरीबों को लूटा, हर व्यक्ति को लूटा, लूट के हजारों पति, करोड़ों पति, खरबों पति आप बन गए। आप गरीब के लुटेरे हो, सीधा आरोप लगाते हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अपने पाई पाई का हिसाब ईडी को देते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नमस्कार, मैं रेणु चौहान और आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। बदोपुर के इस्माइलपुर में बीजेपी से प्रत्याशी व पूर्व विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी ने जनसभा का आयोजन किया। ये आयोजन बीजेपी से राकेश बिल्डर्स के नेतृत्व में हुआ। बता दें कि प्रत्याशी व पूर्व विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी का जनता ने फूल माला पहनाकर व गदा देकर स्वागत किया। वहीं रामवीर सिंह बिधूड़ी ने जनता को संबोधित करते हुए उनके कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए थे उनकी चर्चा की। साथ ही रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि इस क्षेत्र में जितना विकास मेरे कार्यकाल में हुआ है उतना किसी ने विकास नहीं कराया है, और अगर इस बार आप मुझे एक बार फिर मौका देते हैं तो मैं बदोपुर में ओजोन जाम, सीवर लाइन जैसी समस्याओं का समाधान करूंगा। रामवीर सिंह बिधूड़ी को जनता का काफी जनसमर्थन मिलता दिख रहा है। इस आयोजन में बीजेपी के कार्यकर्ता समेत क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। 2008 तक मैं विधायक था और जो विकास के कार्य मेरे द्वारा किए गए उसके बाद मेरे विकास कार्यों की मरम्मत नहीं हुई। इस बार बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता का, मतदाताओं का मुझे पूरा आशीर्वाद मिल रहा है और मैंने यह वचन दिया है बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को कि हम बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की हर गली में सीवर लाइन डालेंगे, जैतपुर तक मेट्रो लाएंगे, गंगा जल की सप्लाई में जो बड़ी भारी कटौती हो गई है, जिस गंगा जल को मैं लेकर आया था, घर घर पहुंचाएंगे, डीटीसी की बसें चलाएंगे, भारत सरकार की, यूपी सरकार की और हरियाणा सरकार की जो ज़मीनें खाली पड़ी है उनके ऊपर कॉलेज, अस्पताल, बरातघर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स और अस्पताल डिस्पेंसरियों का के साथ साथ पार्क और बच्चों के खेलने के लिए मैदान भी विकसित करवाएंगे। ये विकास के कार्य हम इसलिए करवा पाएंगे क्योंकि इस क्षेत्र में जितनी ज़मीनें खाली पड़ी हैं वो या तो भारत सरकार की है या उत्तर प्रदेश सरकार की है या हरियाणा सरकार की है, और इन तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे ऊपर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री खट्टर साहब का भरपूर आशीर्वाद है। और हमने पिछले कई साल पहले मीठापुर में 12 एकड़ ज़मीन हरियाणा सरकार से मीठापुर वार्ड के निवासियों के लिए पार्क और बच्चों के खेलने के लिए मैदान के लिए उपलब्ध कराई है, और आगे जो ये विकास के कार्य हैं हम जगह जगह कह रहे हैं कि ये विकास के कार्य केवल हम ही कर सकते हैं क्योंकि इन विकास कार्यों को करने के लिए ज़मीन की आवश्यकता है, और ज़मीन आदरणीय मोदी जी की सरकार के पास है, ज़मीन आदरणीय योगी जी की सरकार के पास है और ज़मीन इस क्षेत्र में खट्टर साहब की सरकार के पास है और तीनों जगह हमारी सरकार है। तो हम इन विकास कार्यों को पूरा करने के लिए हम ज़मीन भी उपलब्ध कराएंगे और जो हमने वायदा किया है उनको हम अगले 5 सालों में ज़रूर पूरा करेंगे और इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे। मोदी जी ने
थर्मल पावर हाउस की जमीन पर 885 एकड़ जमीन पर इको पार्क के निर्माण का कार्य शुरू करवाया है। 6 लेन का हमें हाईवे दिया है और हमारे क्षेत्र की सभी कॉलोनियों को नियमित कर दिया है। सभी क्षेत्रवासियों को जिनके मकान हैं, दुकान है, प्लॉट है, उनको मालिकाना हक देने का कार्य बहुत तेजी से शुरू हो गया है। हम आदरणीय मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए रियल एक्सप्रेस। धन्यवाद। इस दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, दबाएं इस बेल आइकन को और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।